हाय गाइस, रियलमी ने 20 से 25,000 रुपये के प्राइस रेंज में एक नया फ़ोन लॉन्च किया है, रियलमी 13 प्लस। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। आपको इस फ़ोन को स्किप करके दूसरे फ़ोन्स की तरफ जाना चाहिए। वो क्यों, मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली वीडियो, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और ऐसी वीडियोज़ हम चैनल पर रेगुलरली डालते रहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड वाले पार्ट से कर लेते हैं। इसमें हमें फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। मुझे पर्सनली ग्लास बैक पैनल काफी अच्छे लगते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे प्लास्टिक, लेदर या फिर ग्लास बैक पैनल में से सबसे ज्यादा प्रीमियम कौन सा फील होता है, तो मैं एनी डे ग्लास को ही पिक करूंगा। फोन का डिजाइन भी देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी मॉडर्न लुकिंग लगता है ये फोन। इसके अलावा फ्रेमिंग हमें इसमें प्लास्टिक की मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात है इस प्राइस कैटेगरी में। इस फोन में हमें IP65 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, जो कि मैं कहूंगा काफी अच्छी बात है। हाँ, इस प्राइस कैटेगरी में हमें IP68 वाला भी फोन मिलता है, बट वो उस फोन की स्पेशलिटी है। इसमें IP65 की रेटिंग मिलना काफी अच्छी बात है, मैं बोलूंगा। इस फोन के इन हैंड फीलिंग की बात करूँ तो ये फोन फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ से कर्व होता है, जिसकी वजह से हाथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और प्रीमियम फील होता है यूज करने में। तो एटलीस्ट मैं ये तो कह सकता हूँ कि इस फोन का डिजाइन एंड बिल्ड वाला डिपार्टमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जा सकती है, टिपिकल ब्राइटनेस 600 निट्स तक जाती है, और हाई ब्राइटनेस मोड में इस फोन की ब्राइटनेस 1000 निट्स के आसपास जा सकती है। मैं इन नंबर्स को डिसेंट ही बोलना चाहूंगा। ये फोन YouTube पे तो HDR को सपोर्ट करता है, बट Netflix पे HDR का सपोर्ट नहीं मिलता इसमें। देखिए, वैसे अगर 22-23,000 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो इस फोन की डिस्प्ले को मैं डिसेंट ही बोलना चाहूंगा। आउटडोर में भी ये डिस्प्ले फेयरली ब्राइट हो जाती है, और अगर कंटेंट कंजम्पशन की बात करते हो तो वहां पर भी ये डिस्प्ले काफी हद तक अच्छे से काम करती है। बट बात वही है कि इस प्राइस कैटेगरी में इससे बेटर डिस्प्ले वाले फोन आपको मिल जाते हैं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल है iQOO Z9 S Pro। उस फोन में आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, और हाई ब्राइटनेस मोड में वो फोन 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस को अचीव कर सकता है। iQOO में आपको Netflix पे HDR का सपोर्ट मिलता है, जो कि Realme में मिसिंग है। तो क्लियरली इस प्राइस कैटेगरी में इससे बेटर डिस्प्ले वाला फोन तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है, तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि आप इसमें मूवीज वगैरह देखना काफी हद तक एंजॉय कर पाओगे। मल्टीमीडिया यूसेज के हिसाब से मैं इस फोन को अच्छा ही बोलूंगा, बुरा नहीं है ये। बात बस इतनी सी है कि सेम प्राइस में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास मार्केट में। अब अगर इस फोन के कैमरास की बात करें तो इसमें हमें 50MP का मेन कैमरा मिलता है और 2MP का मैक्रो कैमरा। हाँ भाई, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता है। चलो, ये बात मैं मान भी लेता अगर इस फोन में बहुत अच्छी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ परफॉर्मेंस मिल जाती, बट वैसे भी कोई बात नहीं है। प्रोसेसर भी इसमें एवरेज या फिर बिलो एवरेज ही मिलता है, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। फिलहाल अगर इसके कैमरास की बात करें तो इसका मेन कैमरा काफी हद तक डिसेंट फोटोज कैप्चर कर लेता है। आपका काम चल जाएगा, चाहे डे लाइट हो नाइट लाइट हो, फोटोज की क्वालिटी मैं कहूंगा डिसेंट रहती है। अगेन, अगर इसे iQOO Z9 S Pro से कंपेयर करूँ तो उसका मेन कैमरा इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर फील होता है। साथ ही उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है 8MP का। मैं ये बात क्लियरली कह सकता हूँ कि वो फ़ोन कैमरा के मामले में Realme से कहीं ज़्यादा बेटर निकल के आता है। ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई बायस होकर वीडियो बना रहा हूँ, उसका कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। रियलिटी यही है कि Realme ने इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस करके रखा हुआ है। बाकी अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें हमें 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक डिसेंट सेल्फीज कैप्चर कर लेता है। सेल्फीज के मामले में इस फोन के साथ ऐसा कुछ शिकायत नहीं होने वाली आपको। बाकी अच्छी बात यह है कि इस फोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी मैं अगेन यही कहूंगा कि डिसेंट होती है। ओवरऑल मुझे अगर इस फोन के कैमरास को जज करना हो गया तो मैं इन्हें एवरेज बोल सकता हूँ, और क्लियरली मुझे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की कमी फील हुई है इस फोन में। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर मिलता है, जो कि एंटीटू में 600,000 के आसपास स्कोर करता है। जबकि अगर हम इसे कॉम्पिटिशन से कम्पेयर करें, जो कि iQOO Z9 S Pro और OnePlus Nord CE4 है, तो उन फोन में हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 800,000 के ऊपर स्कोर करते हैं। क्लियरली उन दोनों ही फोन में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, Realme इस फोन को गेमिंग फोन की तरह हाईलाइट कर रहा है, जो कि BGMI में 90fps को सपोर्ट करेगा, जो कि बिल्कुल भी सच बात नहीं है। मतलब इस फोन में आपको 90fps अनलॉक मिल जाते हैं, बट क्या ये फोन 90fps की गेमिंग करा सकता है? बिल्कुल भी नहीं।
मतलब जब भी आप 90 FPS की सेटिंग पे इस पे BGMI चलाओगे, उसके फ्रेम्स गिर के 40 FPS तक आ जाते हैं, जो कि डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए, गेमर्स हो गए, उन लोगों ने भी इस फ़ोन का भर भर के प्रमोशन किया है, बट रियलिटी यही है कि गेमिंग के लिए ये फ़ोन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता। इस प्राइस कैटेगरी में अगर आपकी गेमिंग प्रायोरिटी है तो पोको X6 Pro आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा iQOO Z9 S Pro और OnePlus Nord CE 4 भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। उन दोनों फ़ोन्स में भी 60 FPS की गेमिंग आराम से हो सकती है, बट डेफिनेटली Realme 13 Plus मैं आपको गेमिंग के लिए तो रिकमेंड नहीं कर सकता। बाकी इस फोन में हमें LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है, जिसकी वजह से डे टू डे लाइफ में ये फोन काफी हद तक डिसेंट परफॉर्म कर देता है। मैं और एक फन फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस फोन में प्रोसेसर मिलता है Dimensity 7300, यही सेम प्रोसेसर iQOO Z9 S में भी मिलता है, जो कि 18,000 रुपए का फोन है, और उस फोन के कैमराज भी इससे थोड़ा ज्यादा बेटर ही परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल इस फोन का परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट मैं कहूंगा कि डिसेंट है, बट कंपनी ने इसकी बहुत ही ज्यादा फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की है, जिसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले फोन आपको इस प्राइस कैटेगरी में मिल जाते हैं। गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो इस फोन को आपको क्लियरली स्किप कर देना चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुआ है, और रियलमी ने इस फोन के साथ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस किया है। और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले रियलमी और OnePlus के फोन्स में एक अपडेट आया था, जिसके बाद से ये फोन्स भयंकर स्मूथ हो गए। मतलब यूज करने में इनके एनिमेशन इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं ना। आज की डेट में अगर मैं इसे iQOO की फंटच OS से कंपेयर करूंगा तो मैं डेफिनेटली रियलमी UI को उससे ऊपर ही रखूंगा। मतलब डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होता है ये फ़ोन। बट हाँ, इसमें आपको काफ़ी सारे ब्लूटवेयर एड्स वगैरह मिलते हैं, जिन्हें आप डिसेबल कर सकते हो। आपको लगभग सेम ही प्राइस में OnePlus Nord CE 4 मिल जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन OS मिलती है, और ऑक्सीजन OS Realme UI से आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा क्लीन और अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देती है। तो मैं यही कहूंगा कि सॉफ्टवेयर अगर आपकी प्रायोरिटी है तो OnePlus आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इस फोन में हमें 5000mAh की बैटरी मिलती है, और ये फोन 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो इस फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, आपका एक दिन आराम से निकाल के दे देगा, और चार्जिंग भी काफी हद तक फास्ट है, लगभग आधे घंटे में ये फोन फुल चार्ज हो जाता है। बट स्टिल थ्रू आउट द वीडियो मैंने इसे iQOO Z9 S Pro और OnePlus Nord CE 4 से कंपेयर किया है, तो अगेन उन फोन्स में आपको 5500mAh की बैटरी मिलती है, जो कि डेफिनेटली इस फोन से काफी ज्यादा चल जाती है। सारी चीजें देखते हुए मेरा कंक्लूजन ये है कि ये फोन काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। मतलब लगभग सेम या फिर थोड़े से बेटर स्पेक्स के साथ ही iQOO Z9 S आपको 18,000 रुपए की प्राइस में मिलता है, और ये फोन 23,000 रुपए का मिल रहा है आज की डेट में, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। अगर आप ये फ़ोन बाय करने का सोच रहे थे तो 5000 रुपये बचा के आप iQOO Z9 S की तरफ भी जा सकते हो। कंपनी ने इस फ़ोन के बारे में बहुत ही ज़्यादा फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की है, गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है, 22-23,000 रुपये का आपका बजट है, मैं कहूँगा थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप पोको X6 Pro की तरफ जा सकते हो, वो आपको कहीं ज़्यादा बेटर गेमिंग करा सकता है। और आपका बजट 22-23,000 रुपये के अराउंड टाइट है और गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है, तो iQOO Z9 S Pro आपको डेफिनेटली कहीं ज़्यादा बेटर गेमिंग करा सकता है इस फोन से। ओवरऑल अगर आपको एक बेटर फ़ोन चाहिए जिसका सॉफ्टवेयर अच्छा हो तो OnePlus Nord CE 4 भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है इस प्राइस कैटेगरी में। बाकी अगर हम Realme 13 Plus की बात करें तो ये फ़ोन सेल के अराउंड अगर आपको 17-18,000 रुपये का मिल जा रहा है ऑफर्स लगा के, तो आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हो, पर 23,000 रुपये के प्राइस में ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, आपको इस फ़ोन को क्लियरली स्किप कर देना चाहिए। बाकी मैं श्योर हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू टेक एवर।